हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका कंप्यूटर का टर्न है, तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक 103 पेज पर। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, इंटरनेट एंड वेब ब्राउजिंग। बच्चों इंटरनेट हमारी डेली यूज की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक अभी हम जो क्लास ले पा रहे हैं वो भी इंटरनेट की वजह से है। तो इंटरनेट के बिना अगर आज के टाइम में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे वर्क इम्पॉसिबल है। पूरा एक दिन निकालना इंटरनेट के बिना इम्पॉसिबल लगता है। तो इंटरनेट एक्चुअली है क्या, कैसे वो स्टार्ट हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो इंटरनेट था उसकी जो प्लानिंग थी वो 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट कर दी थी। और इंटरनेट जैसी ही एक चीज अर्पनेट जिसका नाम था ARPANET जिसकी फुल फॉर्म यहाँ दी हुई है, उससे इंटरनेट की हमारी जो वर्क था वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसमें बहुत सारे चेंजेस आए और फाइनली इसको पूरे जो प्रोसेस है जिसे हम इंटरनेटवर्किंग कहते हैं, लिंकिंग ऑफ टू और मोर नेटवर्क्स, इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया इंटरनेट। और कहा जाता था वर्ड इज, मतलब पुरानी एक कहावत थी कि जो वर्ड है वो बहुत छोटा है, इसको रिप्लेस करा गया न्यू टर्म से ग्लोबल विलेज, यानी पूरा अब जो है हमारा ग्लोब वो एक साथ जुड़ गया है। तो इंटरनेट ने यही काम करा, सब चीजों को एक साथ जोड़ दिया। इंटरनेट किस तरीके से वर्क करता है, इंटरनेट अगर हमें अपने पीसी में चलाना है तो उसके लिए हमें काफी सारी चीजों की जरूरत होती है। गेटवे जो है ये डिवाइस होता है, दो डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। और बैकबोन जो है सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिससे कि एक या ज्यादा से जो नेटवर्क है वो कनेक्ट होते हैं। देखिए ये बैकबोन नेटवर्क है, मेन नेटवर्क, और इससे कई सारे नेटवर्क जो कनेक्टेड है अलग अलग गेटवेज के थ्रू कनेक्टेड है, यानी कि दोनों अलग अलग नेटवर्क है और इसको गेटवे से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। इंटरनेट की फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रूल्स जिन्हें ये फॉलो करता है कोई भी काम करने के लिए। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो बहुत सारे होते हैं इसमें ये आप पढ़ेंगे। हु गवर्न्स द इंटरनेट, इंटरनेट को एक्चुअली गवर्न करता कौन है, तो कुछ पर्टिकुलर गवर्नर बॉडीज होती हैं इनकी, उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है वो आप पढ़ेंगे। इंटरनेट के यूज, ये तो एक्चुअली आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ही पता है कि इंटरनेट हमारे किन किन चीजों में मदद करता है। अब इंटरनेट से कनेक्ट करें तो कैसे करें, उसके लिए हमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स की जरूरत होती है जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। इनके बिना हम अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे पास एक ISP भी होना जरूरी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जो कि इंटरनेट से एक्सेस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट डेटा हमको पैकेज पूरा इंटरनेट का हमें देती है। बहुत सारी ISPs होती हैं जैसे कि BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन, MTNL, एयरटेल, हैथवे केबल, टाटा, रिलायंस, तो ये बहुत सारी हैं जिनको आजकल हम रिसेंट में यूज भी कर रहे हैं एक्सेसिवली। अब हम इनके कुछ और दी हुई हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जिनके थ्रू हम इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम कैसे सेटअप करेंगे, तो उसके लिए हमें डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL जरूरी है, हमारे पास केबल मॉडम होना चाहिए। कैसे उसको कनेक्ट करना है ये भी सारा प्रोसीजर आपको दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर जिसमें हमने देखा कि इंटरनेट के क्या यूजेस हैं और कैसे कैसे हम इंटरनेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, आप करेंगे एक्सरसाइज कंप्यूटर की सारी अच्छे से, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग है ये आप करेंगे। ओरल क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये करने हैं। वेरी शॉर्ट में और सारे तो सभी सामने दिए हुए हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है फुल फॉर्म्स जो लिखनी है आपको, ये आप अपने आप फाइंड करके क्वेश्चन करेंगे अपनी नोटबुक में। सबके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ये इंटरनेट रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स होती हैं, तो ये आपको अपने आप करना है। आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर लीज्ड लाइंस, ये 106 पर मिलेगा आपको। पहले 7 करेंगे, व्हाट डज अ मॉडम डू, तो पेज नंबर 106 पर ही जाएंगे। ये रहा, अ मॉडम चेंजेस अ कंप्यूटर्स डिजिटल सिग्नल इनटू एन एनालॉग सिग्नल एंड एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल
सिग्नल. आंसर नंबर वेरी शॉर्ट 7. व्हाट आर लीज लाइन्स, ये भी 106 पर है. लीज लाइन से लेकर सर्वर तक लिखेंगे, वेरी शॉर्ट 8 है. अब आते हैं हमारे शॉर्ट पर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म IETF. तो 105 पेज पर जाएंगे हम. यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 1 शॉर्ट, ये सेकेंड पॉइंट जो IETF, यहाँ से लेकर इंटरनेट तक लिखेंगे. हमारा फर्स्ट आंसर है शॉर्ट का. सेकेंड है हाउ डज इंटरनेट वर्क. तो पेज नंबर 103 पर जाएंगे बच्चों हम, और सीन्स से लेकर यहाँ गेटवेज तक, ये हमारा आंसर नंबर 2 है शॉर्ट का. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन अ बैकबोन. तो पेज नंबर 104 पर जाएंगे. यहाँ पर अ बैकबोन से लेकर हम नेटवर्क्स तक लिखेंगे. हम आंसर नंबर 3 है शॉर्ट का. फोर्थ है व्हाट इज अ प्रोटोकॉल, नेम द प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल ओवर इंटरनेट. तो व्हाट इज प्रोटोकॉल, पेज नंबर 104 पर जाएंगे आप. टू कीप से लेकर प्रोटोकॉल तक लिखेंगे, हमारा आंसर नंबर 4th का शॉर्ट है. इसके बाद क्वेश्चन में से ही लिखना है यहाँ पर TCP इज यूज फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल ओवर इंटरनेट. व्हाट इज IAB, 105 पेज पर जाएंगे. यहाँ पर IAB ये रहा, ये यूजर्स का आंसर नंबर 5 है शॉर्ट का. लिस्ट मेन एप्लीकेशन एरियाज ऑफ इंटरनेट, पेज नंबर 105 पर जाएंगे हम. तो इसमें हमारे यूजर्स ऑफ इंटरनेट हैं, इनमें से कोई भी हम जो 3 है वो लिख देंगे. तो आप यहाँ तक लिखेंगे डे बाय डे तक इंटरनेट से लेकर, ये आंसर नंबर 6 है आपका शॉर्ट का. अब हम आते हैं बच्चों हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. तो पेज नंबर 107 पर जाएंगे इसके लिए हम. DSL से लेकर प्रोवाइडर तक लिखेंगे, दिस इज आवर आंसर नंबर 1 लॉन्ग. सेकेंड है व्हाट इज एन ISP, हाउ दे आर एसेंशियल फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. तो पेज नंबर 106 पर जाएंगे बच्चों हम. इसमें और सर्वर से लेकर स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ गेलटेल तक लिखेंगे, आंसर नंबर 2 है हमारा लॉन्ग का. देन हमारा आंसर लॉन्ग थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर डायल अप कनेक्शंस. तो पेज नंबर 106 पर ही जाएंगे. इसमें हम आर डायल अप से स्टार्ट करेंगे आप और वेरी फास्ट तक लिखेंगे, दिस इज आवर आंसर नंबर 3 लॉन्ग. लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा हाउ कैन यू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट. तो पेज नंबर 106 पर ही जाएंगे बच्चों. फॉर यूजिंग इंटरनेट से स्टार्ट करके हम लिखेंगे यहाँ ISDN और लीज्ड लाइन तक, आंसर नंबर 4 है हमारा लॉन्ग. तो यहाँ हमारा चैप्टर बच्चों फिनिश होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ. थैंक यू.